HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय प्रकाश जी, जिनको कोरोना का जो बीमारी फैल रही है उनका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तमाम जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। कैमरा पर्सन से केवल वो बोर्ड भी दिखाए ऊपर, जिस तरीके से इनका लगाया वो फिश में बैठे हैं, और कोरोना को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पैनिक फैल रहा है, लोग परेशान हैं, और कुछ जो कोरोना से जो सुरक्षा जो कवच है उनके, चाहे सैनिटाइजर हो चाहे मास्क हो, उनकी कहीं ना कहीं किल्लत हो गई है। तो सीधे एक बार जानकारी उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्या कुछ उनका कहना, कितनी तैयारी है, प्रशासन कितना सतर्क है इसको लेकर के, और किस तरीके के इंतजाम इन्होंने किए हुए हैं, सीधे इनसे चर्चा करते हैं। मैं जनाब कोरोना को लेके कितने आप तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, जिस तरीके से महामारी का रूप लेती जा रही है, देश भर में फैलते जा रहे हैं, पूरे दुनिया कहीं ना कहीं परेशान हो गई है। जब से कोरोना के बारे में पता चला है तो हम इसके शुरू से लेकर के बड़े सजग हैं। इसके बारे में हमने शुरू से इस पर कार्रवाई कर रखी है, अपने पूरे इंतजाम हमारे पास पूरे हैं, और जैसे जैसे करके अभी हमने एक नया कंटेनमेंट प्लान भी बनाया है कि पिछले लगभग फरवरी के 1-2 तारीख के आसपास हमारे पास 5 आए थे जो इंडियन थे, चाइना घूम के आए थे, तो उनका हमने सब जांच की, उनके 5 सैंपल भी भेजे थे, पांचों नेगेटिव आए उसके, और वो सब ठीक है एकदम से, बीच में कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ। अब जैसे जो ट्रेवलर आ रहे हैं तो जैसे हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, उनको सबको हमने सर्वेलेंस पर रखा हुआ है, और उनके सबसे हमारी डेली मतलब बातचीत होती है, उनसे बात करके ना उनका स्टेटस हम डेली जानते हैं। जहाँ तक बात है कि ऐसा कुछ आने की संभावना है, देखो डर तो अभी बना हुआ है भाई, ऐसा वायरस है तो वो जब इंडिया में आया तो रेवाड़ी में भी आ सकता है, तो डर जरूर बढ़ गया। क्योंकि गुड़गांव तक आ चुका है, गुड़गांव में भी एक आपने देखा होगा पीटीएम का जो कर्मचारी है उसको हुआ है, और 2 दिन की छुट्टी भी हुआ पकड़ा। नहीं, हम इस बात से सजग हैं कि भाई ये मतलब रेवाड़ी में भी आ सकता है, तो उसके लिए हम सजग हैं, उस पर हमने पूरी कार्रवाई कर रखी है। हमने अपनी आशाएं हैं उनको, हमने सबको कोरोना वायरस के बारे में डिटेल जानकारी दी है, ग्राम पंचायत 8 तारीख को होंगी उनमें भी हम उनको भेज रहे हैं, हर ग्राम पंचायत में लोगों गांव में जाके इसको जागरूक करें। हमने फ्लैक्स भी छपवाए हैं, पम्पलेट भी बंटवाए हैं जनता में, और विभिन्न विभागों की जो मीटिंग होती है वो भी हमने कराई है, पूरे सभी डिपार्टमेंट को हमने सजग किया हुआ है। इसमें हमारी जो कूड़ा वैन जो बाजार पूरे शहर से जो कूड़ा उठाते हैं, बावल भी रेवाड़ी भी, उसमें जो जिंगल है वो हमने बनवा के चलाई है, जिससे लोगों को घर घर जाके जो कूड़ा उठाते हैं तो उनको पता लगता है भाई ये कोरोना वायरस कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से, तो जागरूकता के लिए हमने पूरा जोर लगा रखा है, और लोग इससे सजग भी हुए हैं। ऐसी बात एक आपको लगता है इसके लिए एक सेमिनार होना चाहिए बकायदा जगह जगह, ताकि लोगों को ये चल जाए इसके सिम्टम्स क्या क्या है, किस तरीके से फैलता है, आम आदमी को थोड़ा सा समझ में आ जाए। बिल्कुल, हमने इसके बहुत सेमिनार भी करे हैं, फिर हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है उस पर भी हम उस लेवल पे भी जा करके लोगों को हमने जागरूक किया है, हमारा जितना भी हेल्थ स्टाफ है उसको भी किया है, आम जनता को भी हम मीटिंग में जितनी भी मीटिंग होती है उनमें जाके करते हैं, डिपार्टमेंटल की या कोई भी और मीटिंग होती है तो उसमें भी हम जा करके सबको इसके बारे में। दूसरा स्वच्छता को लेकर के कहते हैं, स्वच्छता इसकी सबसे बड़ी एक जागरूकता बचाव है, किस तरीके का आप कर रहे हैं कि बरसात का पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि 2 दिनों से लगातार बरसात हुई, आपने देखा होगा सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चरमराई हुई है, लोग घरों में किस तरीके से बचाव कर सके उसको लेकर के क्या कुछ पहला आप कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि डेफिनेटली स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल है, अपना एनवायरनमेंट साफ हो, एक पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छा हो, जैसे मतलब अपने हाथ हैं, हम खांसते छींकते समय जैसे अपना मुंह आगे ले आते हैं, मुंह के आगे हाथ ले आते हैं, तो उससे जो वायरस है वो हाथों पे आ जाता है, हाथ इन्फेक्टेड हो गए।
कहीं भी छुएंगे वो टेबल इन्फेक्टेड हो गई या कोई आर्टिकल और छुआ उसे वो इन्फेक्टेड हो गया। तो अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि वो सफाई रहे, तो बार बार हैंड वॉश करें जो साबुन पानी से या अल्कोहल जो बेस्ड है सैनिटाइजर है उससे हम इसको करें, या फिर जैसे छींकने का कुछ एटिकेट्स होते हैं जैसे कि हम जब छींकते हैं तो अपने कोहनी को ऐसे करके छींकें या साथ में रुमाल लगा के छींकें ऐसे ओपन में या से ना आगे ला के छींकें। तो ये इस तरह की अवेयरनेस वो सभी को कर रहे हैं जो कफ एटिकेट्स हैं एडवांस है इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। लेकिन लेकिन एक और चीज निकल के आई, हम लगातार दवाइयों की दुकान पे जा रहे हैं, आपके हॉस्पिटल के सामने भी हमने गए हैं, सैनिटाइजर की किल्लत आ गई है, मास्क नहीं मिल रहे हैं लोगों को, लोग 2 रुपए की चीज का जो मास्क 1-2 रुपए का था उसका 20-20 रुपए देने को तैयार है, सैनिटाइजर मार्केट से खत्म हो गए। क्या लगता है इसमें भी कोई पैसा कमाने के लिए कुछ माफिया किस्म के लोग या ब्लैक मार्केटिंग के लोग उतर आए हैं जो इनको स्टॉक कर दिया है, क्या मार्केट से गायब हो गए जो कल तक सरेआम बिक रहे थे? देखो इसमें जहाँ तक बात है मास्क तो आम आदमी को मास्क यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है, जनता मास्क यूज ना करे, केवल वो आदमी मास्क यूज करे जैसे या तो वो फॉरन से कहीं ट्रेवल करके आया है, जो हमारे 11 ऐसे इन्फेक्टेड कंट्रीज हैं जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की हुई है, केवल वो वहाँ से अगर यात्रा करके आते हैं तो उन लोगों को ही मास्क पहनने की आवश्यकता है, और उनके परिवार वाले हैं उनको मास्क पहनने की आवश्यकता है। जिसमें 3 प्रकार के मास्क हैं हमारे पास, एक तो N95 है, N95 केवल डॉक्टर्स या स्टाफ नर्सिस या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ही यूज़ करना चाहिए, पर उसके अलावा N95 मास्क की आवश्यकता नहीं है। ट्रिपल लेयर मास्क है वो उसके जो इस तरह का कोई सस्पेक्टेड आदमी है मरीज है तो उसे घर वाले यूज करें वो भी यूज करें, और आम आदमी सिंपल आदमी जो 10-20 रुपए 1-2 रुपए का जो मास्क आता है आम मास्क है वही उससे प्रोटेक्शन हो जाती है, उसमें ना भी यूज करें तो कोई ऐसा नहीं है, अभी ऐसा कोई पैनिक करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कैसे फैलता है और इसकी जानकारी और जागरूकता है वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते कि इसके कोई इस तरह का पैनिक ना करें, घबराएं नहीं इसे। लेकिन क्या क्या विभाग ऐसी कोई कार्रवाई करेगा जो लोग इसकी, जैसे आपके पास क्या स्टॉक है, आप लोगों ने क्या बंदोबस्त किए हैं मास्क के और सैनिटाइजर के, ताकि आप कोई आए तो आपके महकमे से मिल जाए, किल्लत ना हो, या आपके पास स्टॉक है और जो स्टॉक करके ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप, उसके लिए कोई टीम वगैरह आपने गठित की है जिस तरीके की मार्केट में एक आवाज उठी आम आदमी को नहीं मिल पा रही है सुविधा? देखो मैंने आपको बताया कि आम आदमी इस मास्क वगैरह को इस तरह की चीज़ों को परचेज ना करें, जहाँ तक बात है हमारे डिपार्टमेंट की, हमने अपने पर्याप्त संसाधन जुटाए हैं, N95 मास्क भी है, ट्रिपल लेयर मास्क भी है, दूसरे मास्क भी है, सैनिटाइजर भी हमने परचेज किए हैं, और आम जनता से भी अपील है कि भाई बाकी इसके लिए हम एक टीम गठित करेंगे आज कि भाई जो इस तरह की अगर मान लो कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं या कोई इस तरह की हमें छापे मारेंगे, अगर इस तरह का होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की सख्त कार्रवाई की जाएगी, जाहिर है। एक और अहम सवाल आखिरी हम कर लेते हैं कि जो इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या लगता है क्या नैतिकता कहीं ना कहीं गिर गई है, जबकि महामारी की बीमारी है कोरोना, हर आदमी परेशान है, क्या वो ये ब्लैक मार्केटिंग का पैसा कमा के अपना जीवन बचा सकता है, जबकि एक दूसरे को HRPS लगातार इस चीज को बता रहा है कि इंसानियत रखे, इंसान इंसान के काम आता है, ब्लैक मार्केटिंग के और भी जरिए होते हैं, इन्हीं चीजों में नहीं हो सकता, क्या लगता है डॉक्टर साहब, आपको लगता है कहीं नैतिकता गिर गई है? कि देखो मैं तो इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि हम सब भारतवासी हैं, एक राष्ट्र के प्रति हम समर्पित हैं और समर्पित रहना भी चाहिए, कोई आदमी ऐसा ना करे इस तरह की एक्टिविटी करना, वैसे भी देश हित में नहीं है। आपको लगता हो तो मदद भी करनी चाहिए, बल्कि सैनिटाइजर मेरे पास है भाई आप भी लगा लो, एक तोहफा मैं भी लगा लूं, लोग मदद कर देते हैं, होना तो ये चाहिए, लेकिन लोग स्टॉक कर रहे हैं, कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है। अगर ऐसा है तो गलत बात है, अगर ऐसा है तो गलत बात है, ये तो देखो देश हित में जब जवान जो देश की रक्षा करते हैं वो फ्रंट लाइन पे होते हैं तो वो वहाँ पे गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम क्या ऐसा भी नहीं कर सकते कि जो चीजें हैं उनकी कोई ब्लैक मेलिंग या ब्लैक मार्केटिंग ना करें, और ऐसा कोई करता पाएगा तो उससे सख्त सख्त कार्रवाई की सख्त से सख्त, तो कहीं ना कहीं प्रशासन सतर्क है, और जैसा हमने आपको सुनाया है डॉक्टर साहब की तमाम जो चीजें नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, चैनल सर बता रहे हैं, और फिर आगे भी हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये बीमारी आई है हर आदमी परेशान है, डरा और सहमा हुआ है, और उसको कहीं ना कहीं राहत चाहिए, राहत दे सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी, मरहम लगा सकते हैं, लोगों को बैठ करके समझा सकते हैं, सेमिनार के जरिए मीडिया भी इनका सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल HR News।